नमस्कार दोस्तों, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रिसर्च की, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि आखिर हमारे मस्तिष्क में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है जब हम विभिन्न प्रकार के भोजन की पिक्चर्स को देखते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले भोजन की ड्रेसिंग और उसकी प्रस्तुति पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, कभी कभी इसके स्वाद से कहीं ज्यादा। मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों ने पाया है कि न केवल भोजन का स्वाद हमारी स्वाद कलियों को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी इमेजेस भी हमारे मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से में इम्पैक्ट डालती है। इस पर एक शोध करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें हमारी मानव संस्कृति पर भोजन के विशेष प्रभाव को प्रकट किया गया है। करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन में पाया गया कि जब हम खाद्य पदार्थों को देखते हैं तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स का एक विशेष हिस्सा खाद्य संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है। वहीं वेंट्रल विजुअल सिस्टम, जहां विजुअल जानकारी को विजुअल परसेप्शन के लिए प्रोसेस करता है, तो वहीं खाद्य उत्तरदायी न्यूरॉन्स को भी स्पॉट कर देता है। इस पर शोधकर्ताओं का मानना है यह अप्रत्याशित खोज मानव संस्कृति पर भोजन के विशेष प्रभाव को प्रकट कर सकती है। MIT के प्रोफेसर नैन्सी कनविशर ने MIT न्यूज को बताया कि भोजन मानव गतिविधि के इतने सारे तत्वों का मूल है। इसका हमारी संस्कृति, पहचान, धार्मिक अभ्यास और सामाजिक अंतःक्रियाओं पर एक विशेष प्रभाव डालता है। वैज्ञानिकों ने इस शोध के लिए करीब 10,000 फूड्स की इमेज का एक सेट बनाया, जिसके लिए मानव मस्तिष्क प्रतिक्रियाओं के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस का विश्लेषण किया। इस तंत्रिका आबादी के विकास के बारे में न्यूरोसाइंटिस्ट भी हैरान हैं। वे आगे अध्ययन करेंगे तथा उन्हें इस बात की उम्मीद है कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया, उनकी पसंद और नापसंद या कुछ प्रकार के भोजन के साथ उनकी निकटता के आधार पर कैसे भिन्न हो सकती है। शोधकर्ताओं के सामने अभी कई तरह के प्रश्न अनुत्तरित हैं। MIT न्यूज का इस पर कहना है कि शोधकर्ताओं को अभी यह भी अध्ययन करने की उम्मीद है कि हमारे बचपन में हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है यह कब और कैसे विशिष्ट हो जाता है, यह मस्तिष्क के अन्य हिस्सों के साथ कैसे संपर्क करता है। आगे इस बात का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह खाद चयनात्मक आबादी मनुष्यों के लिए अद्वितीय है या बंदरों जैसे अन्य जानवरों में भी पाई जाती है, जो भोजन के लिए सांस्कृतिक प्रासंगिकता को नहीं जोड़ती, जो कि मनुष्य करते हैं। तो दोस्तों ये थी बात इस रिसर्च की, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि आखिर हमारा मस्तिष्क कब और कैसे रिएक्ट करता है जब हम किसी विभिन्न प्रकार के भोजनों को की पिक्चर्स को देखते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें याद दीजिए। नमस्कार।